नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक प्रश्न आता है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को आप क्रमानुसार लगाएं। थोड़ा आप चित्र देख लीजिए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब एक प्रश्न और डीप बनता है इसमें से, इनको तो पहले तो क्रम में लगवाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि किन किन नदियों के बीच के स्थल को पंजाब हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय किसके किन दो नदियों के बीच स्थित है, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। अगर आप ये वाली भी ट्रिक चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं अगली ट्रिक में आपको बता दूंगा। बस पहले आप इस वीडियो से ये सीख लीजिए कि इनको क्रम में कैसे लगाएंगे, पंजाब हिमालय को, कुमायूं हिमालय को, नेपाल हिमालय को, असम हिमालय को। तो देखिए, पंजाब कमाने असम गया, पंजाब का ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी ट्रिक्स भाग दो बाई आर एम उपाध्याय किताब है, उसकी बता रहा हूँ। इसी में दोनों ही दी हुई है ट्रिक, आप देख लीजिएगा। बस छोड़िएगा, बस इतना ही बहुत है। किताबें के बारे में कोई जानकारी करनी है तो ये दो नंबर मैंने लिखे हैं, 7497295322, 7417444544, इन पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। अच्छा देखिए, ट्रिक देखिए, पंजाब कमाने असम गया, पंजाब कमाने असम गया, पंजाब, पंजाब हिमालय सबसे ऊपर, सबसे पश्चिम में आप इसे देखिए, उसके बाद कुमायूं, कुमायूं हिमालय राइट हैंड साइड पे पंजाब हिमालय की, फिर नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बाद सबसे अंत में पूरब की ओर आपको मिलेगा असम हिमालय। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ट्रिक छोटी सी है, पंजाब कमाने असम गया और सिंधु से काली तू ब्रह्मा। अगर आप याद रखना चाहते हैं जिन नदियों के बीच में ये प्रदेश स्थित है या ये हिमालय स्थित है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूंगा। हैव अ नाइस डे, बाय।